हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का काम करेंगे। पाठ 14 में है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। किशोर कपड़े सिलता है, ये सिल रहा है ना। मनीष दाढ़ी बनाता है, ये बना रहा है। अनुज विद्या ग्रहण करता है। उपरोक्त चित्रों व उनके कार्यों से ज्ञात होता है कि किशोर दर्जी है, यानी कि कपड़े सिल रहा है वो क्या है, दर्जी है। मनीष नाई है, यानी कि ये मनीष दाढ़ी बना रहा है तो क्या है, नाई। तथा अनुज एक विद्यार्थी है। सबके नाम होते हैं तो यहाँ नामों किसे बताया था, किशोर कपड़े सिलता है, मनीष दाढ़ी बनाता है, अनुज विद्या ग्रहण करता है। तो इनसे हमें पता क्या चलता है, हमने देखा कि कपड़े सिलने वाला, बाल काटने वाला तथा विद्या ग्रहण करने वाला के लिए क्रमशः क्या बोलेंगे, दर्जी, नाई तथा विद्यार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात इन शब्दों के प्रयोग करने से बात संक्षिप्त एवं आकर्षक हो गई है। संक्षिप्त मीन्स छोटी, आकर्षक मीन्स सुंदर, अच्छी हो गई है भाषा। तो जैसे कपड़े सिलता है दर्जी कहते हैं, जो दाढ़ी बनाता है या बाल काटता है उसे नाई कहते हैं, जो विद्या ग्रहण करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहेंगे। आपको तीन उदाहरण दिए थे, अभी हम बहुत सारे वाक्य ऐसे पढ़ेंगे जो बहुत सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द आता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, उन्हें याद कीजिए। अनेक शब्द इधर लिखे हैं और एक शब्द इधर लिखा है। जो खेती करता हो, किसान। जो कपड़े धोने का काम करता हो, धोबी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो आलस करता हो, आलसी। जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी। दूसरे देश की वस्तु, विदेशी। अपने देश की वस्तु, देसी। तो इस तरह से हमने ये बहुत सारे वाक्य पढ़े। अब और भी पढ़ेंगे। जो विद्या ग्रहण करने की इच्छा रखता हो, विद्यार्थी। वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, विद्यालय। हम विद्यालय में तो विद्या ग्रहण करने जाते हैं ना, और जो विद्या ग्रहण करता है वो विद्यार्थी। तो यानी कि इसका मतलब विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं। जो कभी ना मरे, अमर। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, स बच्चे लिख देते हैं, सा है साप्ताहिक। रोजाना होने वाला दैनिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो मांस खाता है, मांसाहारी। जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो विज्ञान संबंधी खोज का काम करते हो, वैज्ञानिक। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो रोगी की चिकित्सा करता हो, चिकित्सक। तो ये 20 वाक्य हैं, आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिखेंगे एक लाइन पूरी। कुछ लाइनें बड़ी हैं, जैसे आपका ये आएगा नहीं तो आप फिर क्या करोगे। अब मान लो एक लाइन में आपका ये पूरा आया तो इसको नीचे दूसरी लाइन में लिखकर छोड़ देना, फिर अगली लाइन में ये लिखना। ये बाकी छोटे वाक्य हैं, जो लंबा वाक्य है उसके आगे आपका ये शब्द नहीं आएगा, तो उस शब्द को आप उस लाइन के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।